तो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BMLT कोर्स के बारे में, जिसे हम आम लैंग्वेज में लैब टेक्नीशियन के भी नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं आखिर ये BMLT कोर्स क्या होता है। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ, BMLT कोर्स उसे बोलते हैं जब आप किसी डॉक्टर के पास से कोई भी शिकायत लेकर जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको ब्लड टेस्ट करवाने के लिए बोलता है, और ब्लड टेस्ट के थ्रू ही उन्हें पता चलता है कि आपको क्या बीमारी है। अगर एग्जाम्पल का बात करें तो जैसे कि आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो, यूरिन टेस्ट करवाने जाते हो, शुगर टेस्ट करवाने जाते हो, जितने तरीके के भी टेस्ट होते हैं वो आपके ब्लड यूरिन से ही पता चलते हैं। तो ये जो भी टेस्ट आप जिस भी लैब में करवाने जाते हो, जो आपका ब्लड टेस्ट करता है या यूरिन टेस्ट करता है, वो एक लैब टेक्नीशियन होता है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो अगर आपको भी अपना लैब खोलना है, लैब टेक्नीशियन का कोर्स करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो में बात करने वाले हैं BMLT कोर्स करने के बाद आपका कितना सैलरी हो सकता है। अगर आप BMLT कोर्स करना चाहते हो तो प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज का फी कितना होता है, इसके एग्जाम्स कब होते हैं, फॉर्म कब रिलीज होता है, और इंडिया में कौन से बेस्ट कॉलेज है जहां से आप BMLT कोर्स कर सकते हो। जितने भी इंफॉर्मेशन BMLT कोर्स से रिलेटेड है, हर चीज आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम BMLT का बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। BMLT कोर्स करने के बाद आप एक लैब टेक्नीशियन बन जाते हो, और आपका काम होता है ब्लड टेस्ट करना, यूरिन टेस्ट करना, शुगर टेस्ट करना, जितने भी टेस्ट होते हैं आप वो टेस्ट कर सकते हो। आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एज अ लैब टेक्नीशियन जॉब भी कर सकते हो, या अगर आपके पास उतना बजट है कि आप खुद का मशीन खरीद सको तो आप खुद का लैब भी ओपन कर सकते हो। अगर हम एग्जाम्स का बात करें कि किन एग्जाम्स को दे के आप अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज से लैब टेक्नीशियन का कोर्स, मतलब कि BMLT कोर्स कर सकते हो, जो सबसे पहला नंबर पे आता है वो आता है एम्स। एम्स में पैरामेडिकल कोर्स आप कर सकते हो। ये जो BMLT कोर्स आता है ये पैरामेडिकल कोर्स के ही अंडर आता है, तो आप पैरामेडिकल एम्स से करके और वहां से BMLT का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। और एम्स सबसे अच्छा कॉलेज होता है किसी भी मेडिकल कोर्स के लिए। जिन लोगों ने इस साल फॉर्म भरा है उनका एग्जाम 23 जून को होने वाला है। जो लोग भी इस साल फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर दूसरा कॉलेज का बात करें तो वो होता है CUET। ये भी ऑल इंडिया लेवल पे होता है, तो पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप CUET का एग्जाम दे सकते हो, और CUET के थ्रू भी आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हो और BMLT कोर्स करके लैब टेक्नीशियन बन सकते हो। जो तीसरा एग्जाम है हमारे पास, अगर आप यूपी के बच्चे हो, ये सिर्फ यूपी के बच्चों के लिए होता है। अगर आप यूपी के बच्चे हो तो CPET, हर स्टेट का अपना एक पर्सनल एंट्रेंस एग्जाम होता है लैब टेक्नीशियन या BMLT के लिए। ये जो भी एग्जाम्स है, इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप BMLT मतलब कि लैब टेक्नीशियन का ही कोर्स करोगे, ये सब पैरामेडिकल के अंदर में आता है, तो पैरामेडिकल का आप कोई भी कोर्स कर सकते हो। अगर आप यूपी के बच्चे हो तो आपके लिए यूपी में जो एग्जाम होता है वो होता है CPET। इस एग्जाम को क्रैक करके, इस एग्जाम को देके आप लैब टेक्नीशियन का कोर्स मतलब कि BMLT का कोर्स कर सकते हो। अगर आप कर्नाटक के बच्चे हो तो आपके लिए जो एग्जाम होता है वो होता है KEAM। उसके बाद जो एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पे होता है वो है PGIMER। इस एग्जाम को भी आप दे सकते हो, इसके थ्रू भी आप BMLT का कोर्स कर सकते हो। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि PGIMER का जो फॉर्म है वो दिसंबर में आने वाला है, तो जो लोग भी अभी फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो दिसंबर में फॉर्म भर के और BMLT का कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा एग्जाम आता है वो आता है ZIPMER, जिसका एम्स के बाद सबसे ज्यादा वैल्यू है, और ZIPMER का भी एग्जाम पूरे ऑल इंडिया के बच्चे दे सकते हैं। तो आप ZIPMER से भी एग्जाम देके और BMLT का कोर्स कर सकते हो और लैब टेक्नीशियन बन सकते हो। अगर मणिपाल के बच्चों के लिए बात करें तो आपके स्टेट में एग्जाम होता है MET। अगर आंध्र प्रदेश के बच्चों के लिए बात करें तो आपके लिए एग्जाम होता है APEACMET। वहीं अगर बिहार के बच्चों के लिए बात करें तो आपके स्टेट में जो एग्जाम होता है वो है BCECE। तो इस एग्जाम को देके आप सिंपली कोई भी पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हो, BMLT करके लैब टेक्नीशियन बन सकते हो। अगर ड्यूरेशन का बात करें कि अगर आप BMLT कोर्स करना चाहते हो तो कितने साल में आप BMLT कोर्स करके एक लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, तो यार देखो 4 साल का ये जो होता है BMLT कोर्स होता है, जिसमें कि इंटर्नशिप इंक्लूड होता है, जिसमें कि आपको मिनिमम 6 महीने का इंटर्नशिप करना होता है। अगर फीस की बात करी जाए तो सबसे कम फीस होता है एम्स कॉलेज का। जैसे कि आपको पता ही है कि इंडिया का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज एम्स ही होता है, तो एम्स का जो फी होता है वो सबसे कम होता है और सबसे अच्छा पढ़ाई भी होता है। अगर एम्स की फी की बात करें तो अगर पर एनम बात करें तो 1,000 से लेकर 5,000 तक का आपका एम्स का फी हो सकता है। और अगर नॉर्मल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करी जाए तो 10,000 से लेकर 50,000 से 60,000 रुपए आपका पर एनम फीस हो सकता है। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी है जिनका फी थोड़ा हाई होता है, 40-50,000 के आसपास भी जा सकता है, बट ज्यादातर जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनका फी 10,000 से लेकर 15-20,000 तक ही होता है पर एनम। और अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करी जाए तो प्राइवेट कॉलेज का फी कम से कम 60,000 रुपए होगा और ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 3 लाख रुपए पर एनम हो सकता है। तो आप सभी को कोशिश करना चाहिए कि एग्जाम को क्वालिफाई करके और किसी गवर्नमेंट कॉलेज से ही, ये जो भी कोर्स होता है BMLT या पैरामेडिकल का कोर्स, आपको गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको अच्छा एजुकेशन भी मिलता है, अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए भी मिलता है, आपका स्किल भी अच्छे से डेवलप हो पाता है और आपका फी भी कम लगता है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि आप इतना मेहनत करोगे, BMLT का कोर्स करोगे, लैब टेक्नीशियन बनोगे तो आपका सैलरी कितना होने वाला है। अगर सैलरी की बात करी जाए तो अगर आप नॉर्मल किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाके एज अ
लैब टेक्नीशियन ज्वाइन करते हैं तो आपको 25,000 से 50-60,000 रुपए तक सैलरी मिल सकता है। वो आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना स्किल है। वहीं अगर बात करी जाए, अगर आप अपना प्राइवेट क्लिनिक या लैब खोलना चाहते हो, अगर आपका उतना बजट है कि आप मशीन खरीद सकते हो, तो आप अपना खुद का भी लैब खोल सकते हो और उसके बाद जो भी जितना भी है अनलिमिटेड कमा सकते हो, जो भी आपका पेशेंट रेशियो है, मतलब कि 80,000-100,000 रुपए तो आप कमा ही लोगे महीने का अगर आप खुद का लैब खोलते हो। तो गाइस इस वीडियो में हमने बात किया कि बीएमएलटी कोर्स क्या होता है, लैब टेक्नीशियन का काम क्या होता है, बाकी जितने भी डिटेल्स इस कोर्स से रिगार्डिंग था हर चीज हमने डिटेल में बात किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।